नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वाले में। तो सर, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आप लोगों का फिजिकल चला हुआ है। देखिए, फिजिकल में आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल का प्रोसेस हो रहा है। अब पूरा प्रोसेस का रिव्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, मेरा फिजिकल कंडक्ट हो चुका है 17/7 को। जो फिजिकल था वो जयपुर के अंदर कंडक्ट कराया गया था, यानी सीआईएसएफ जयपुर जो आप लोग का आमेर फोर्ट के पास है, तो वहाँ पर आप लोगों का फिजिकल हुआ था। फिजिकल का स्टाफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव था। फिजिकल का पूरा प्रोसेस बात कर लेते हैं किस तरीके से कंडक्ट कराया गया था। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों को 6:30 बजे वहाँ पर उपस्थित होना था, तो करेक्ट 6:30 बजे ही एंट्री हो रही थी वहाँ पर, और आप लोग लेट आ रहे तो लेट भी एंट्री की जा रही थी। तो 6:30 बजे की एंट्री की बात करें तो देखिए, वहाँ पर 2 सेंटर थे, यानी आप लोगों का क्लियरली मेंशन होगा एडमिट कार्ड पर कि आप लोगों को सेंटर 1 पे उपस्थित होना है, सेंटर 2 पे उपस्थित होना है। तो सेंटर 1 और सेंटर 2 का मेन गेट तो एक ही था, लेकिन अंदर जाके वो डिवाइड हो जाते हैं सेंटर 1 में और सेंटर 2 में। वहाँ के कमांडेंट भी अलग अलग होते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं सेंटर 2 से। तो सेंटर 2 में आप लोगों को जो फिजिकल कंडक्ट कराया गया था उसका बात कर लेते हैं। सेंटर 2 में मेरा फिजिकल था। सबसे पहले तो आप लोगों को 6:30 बजे एंट्री की गई, तो उसमें आप लोगों का एडमिट कार्ड चेक किए गए थे और आप लोगों का एक आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया गया था। जब आप लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो एक क्लर्क हैं तो वहाँ पर उपस्थित होंगे, जो आप लोगों को मैनुअली साइन कराएंगे एक रजिस्टर में। और वहाँ पर आप लोगों को साइन कराने के बाद एक पूरे बैच में आप लोगों को बांट दिया जाएगा। वो बैच आप लोगों का एक सीआईएसएफ का है, कांस्टेबल का एक एम्प्लॉय आप लोगों का सीआईएसएफ कांस्टेबल के जो हैं आप लोगों को गाइड करते हुए लेकर जाएंगे आप लोगों के सेंटर 2 की तरफ। तो सेंटर 2 में जब आप लोग प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखिएगा, सबसे पहले आप लोग फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो फॉर्म प्रोवाइड किया गया वो आप लोगों को फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर आप लोगों को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी, साथ में वो गाइड करते रहेंगे किस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसमें आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म की। तो बिल्कुल भी आप लोगों को एक माइनर सी मिस्टेक नहीं करनी है। जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। क्या क्या नीड है उसके लिए बता देते हैं। पेन आप लोगों को अंदर ज़रूर लेके जाना है, वहाँ पर वो पेन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और आप लोग पेन नहीं लेके जाएंगे तो आप लोगों को डांट भी मिल सकती है वहाँ पर। तो आप लोग पेन लेके जाइएगा एक, साथ में जो पेन होना चाहिए वो ब्लू कलर का ही होना चाहिए, ना कि कोई ब्लैक रेड पेन, नहीं चलेगा आप लोगों का। अब बात करते हैं, अब देखिएगा, जैसे ही आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित होंगे, आप लोग पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो उनसे आप लोगों को फॉर्म ले लिया जाएगा। फॉर्म में बात करें तो 3 फोटोज़ आप लोगों को वैसे प्रोवाइड करने होंगे बिना अटैच किए, और आप लोगों को जो फॉर्म में अटैच होंगे वो 2 फोटोज़ होंगे, एक फ़ोटो आप लोग एडमिट कार्ड पर होगा। तो टोटल जो फ़ोटोज़ की संख्या हो जाती है वो 6 फोटोज़ आप लोगों के प्रोवाइड होंगे वहाँ पर। अब देखिएगा, पूरा आप लोगों का 5 पेजों का फॉर्म होगा, वो आप लोगों को फिल करना होगा, वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद देखिएगा, जैसे ही आप फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को देखिएगा, एक आप लोगों को स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चर था। तो ये आप लोगों का एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन चल रहे थे। तो यहाँ पर हमने जैसे ही फॉर्म फिल किया तो उसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ पर गए, तो यहाँ पर आप लोगों की हाइट मेजरमेंट हुई। तो ये एक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से हमारी हाइट मेजरमेंट हुई। हाइट मेजरमेंट में देखिएगा, SC और ST को अलग अलग कैटेगरी में, यानी जनरल को और ST को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे आप लोगों को पता है, जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी और ST के लिए आप लोगों को 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी। तो इस तरीके से जैसे ही हाइट मेजरमेंट हो जाता है उसके बाद देखिएगा, आप लोगों को एक कॉलम में बैठा दिया जाएगा। उस कॉलम में सबसे पहले तो आप लोग की जो है वहाँ पर सिर्फ आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी, तो आप लोगों की बायोमेट्रिक कंडक्ट हो जाएगी। इस रो में आप लोगों की बायोमेट्रिक कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड रो में आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों की वहाँ पर दोबारा से, यानी आप लोगों की दोबारा से हाइट मेजरमेंट होगी, जिसमें आप लोग क्लियरली हाइट मेंशन की जाएगी आप लोगों के फॉर्म पर। उसके बाद आप लोग की इसी वे में आप लोगों की, उसके बाद आप लोगों की सेकेंड प्रोसेस होगा जिसमें आप लोगों को चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट एक साथ होगा, यानी वेट मशीन पर ही खड़ा होकर आप लोगों को चेस्ट मेजरमेंट कराना है। तो चेस्ट मेजरमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे थे, वो कारण ये था कि वो 5 सेंटीमीटर का फ्लाप नहीं दे पा रहे थे। तो आप लोगों को एक चेस्ट मेजरमेंट किस तरीके से फ्लाप देना है वो भी आप लोगों को समझना है। ज़्यादा जान नहीं लगानी है, सिर्फ आप लोगों को सांस अंदर लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वहाँ पर पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन जब भी चेस्ट आप लोग एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंड करने का एक प्रोसेस होता है। देखिए, आप लोगों को ज़्यादा वहाँ पर जान नहीं लगानी है, सिर्फ आप लोगों को एक सांस अंदर लेनी है, उसी में ही चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ पर ज़्यादा बिना किसी रीज़न के किसी को भी अनक्वालीफाई नहीं किया जा रहा था। चेस्ट मेजरमेंट आप लोगों की हो जाएगी, देखिए 1 कॉलम कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, 2nd कॉलम कंप्लीट हो जाएगा चेस्ट मेजरमेंट का। उसके बाद देखिए, आप लोगों का 3rd कॉलम शुरू होता है बाय डॉक्यूमेंटेशन में। तो आप लोग उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसमें भी देखिएगा, सिर्फ 10th का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, 12th मांगा जाएगा, डोमिसाइल मांगा जाएगा। ये 3 ही आप लोगों के मान जाएंगे जनरल के लिए। और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को एक रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट देना होगा। 1 साल से ज़्यादा ओल्ड मत लेकर जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए,
न्यू पैटर्न में होने चाहिए, 1 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग को फोर्थ स्टेज बचता है, जिसमें आप लोग को एक स्लेट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोग को अपना नाम लिखना होगा और अपना रोल नंबर लिखना होगा, और यहाँ पर आप लोग के लास्ट स्टेज में एक फ़ोटो लिया जाएगा कि आप लोग क्वालिफाई हैं। तो इस तरीके से स्लेट हाथ में लेकर आप लोगों का फ़ोटो खींच जाएगा और आप लोगों को फिर उसके बाद बैठा दिया जाएगा, वेट करना होगा। देखिए वहाँ पर जब कैंडिडेट को, जब ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं तो वहाँ पर 150 कैंडिडेट जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही वहाँ पर छोड़ा जाता है। तो आप लोग पहले करा देते हैं तो पहले आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जब तक 150 नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों का जो 150 हो गए थे, 6:30 बजे मैंने एंट्री की थी और 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। 9 बजे के बाद वहाँ से भेज दिया गया था और 9:30 बजे तक हम बाहर हो गए थे पूरा फिजिकल ग्राउंड से। तो 9:30 तक देखिए सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर जिसके अंदर आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था और आप लोगों का पूरा प्रोसेस हो चुका था, और बाद में आप लोगों का वेट भी बहुत किया गया था क्योंकि 150 कैंडिडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसमें टाइम लगा था। उसके बाद हमारे जो कमांडेंट थे उनके द्वारा थोड़ी स्पीच दी गई थी जिसमें मोटिवेट किया गया था स्टाफ को, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था और जो कमांडेंट थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने सभी को मोटिवेट किया कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। टोटल जो कैंडिडेट हैं उन्होंने, उनके द्वारा जो भी आप लोगों की मोटिवेशन स्पीच दी गई वो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो ये सब वहाँ पर आप लोगों को बताया गया, उसके बाद वहाँ से आप लोगों को फ्री कर दिया गया। तो 9:30 तक आप लोग 9:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा है जयपुर में फिजिकल का रिव्यू जो आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जिस भी सेंटर में आप लोग देने जा रहे हैं वहाँ पर कमांडेंट पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लोगों का फिजिकल कराना है, कितना टाइम लेना है। कई कई जगह देखा जा रहा है कि आप लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, कई कई जगह देखा जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ी देर में ही फ्री कर दिया जा रहा है। यानी अगर बात करें तो 150 कैंडिडेट को नहीं रोका जाता तो वहाँ पर 8:30 बजे या 8 बजे तक सभी कैंडिडेट फ्री हो जाते, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे हमें वेट करना पड़ा। और उसी बीच में रिफ्रेशमेंट भी दी गई, थोड़ा सा रेफ्रेशमेंट आप लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में नहीं थी। वहाँ पर जो भी आप लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया था वो बिल्कुल रीजनेबल रेट में था, तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट को खाना भी चाहिए था वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ये भी वहाँ CISF के स्टाफ द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा था एक रीजनेबल रेट में बिना किसी प्रॉफिट से। तो ये आप लोगों का फिजिकल का रिव्यू था CISF हेड कॉन्स्टेबल का। आई होप आप लोगों को सभी को रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को CISF हेड कॉन्स्टेबल से रिलेटेड, देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, मेडिकल होगा, तो ये सब आप लोगों को प्रोसेस पूरा आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों को CISF हेड कॉन्स्टेबल आप लोगों को अपना पैटर्न बनाना है और आप लोगों को किस तरीके से रेगुलर अपडेट भी चाहिए, तैयारी किस तरीके से करनी है, पेपर कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, टाइपिंग कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी, ये सारा रिव्यू हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।